हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मिक्स मटन और कीमा लेकर आए हैं। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाया जाता है। हमने 2 किलो मिक्स मटन ले लिया है और 1 किलो कीमा ले लिया है। 6 से 7 कलेजी है। इसे हमने 5 से 6 पानी अच्छी तरह धो लिया है। जब भी आप मटन और कीमा धोए तो बहुत अच्छी तरह से साफ़ करिए। और छन्नी में हमने कीमा को भी धोकर निकाल लिया है। इसे धोकर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इसके लिए हम मसाले तैयार करेंगे। हमने दालचीनी ले लिया है 2 से 3 बड़े टुकड़े, 10 तेज पत्ता ले लिया है छबीला, 6 हमने बड़ी इलायची ले लिया है, 1 टीस्पून शाही जीरा, 2 टीस्पून जीरा और 5 से 6 टीस्पून हमने धनिया पाउडर ले लिया है। आपको अगर खड़ा धनिया लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप खड़ा धनिया पीस लीजिए। 10 हमने काली मिर्च ले लिया है, नाग केसर ले लिया है ये थोड़ा सा, और कर्णफूल लिए हैं 3 कर्णफूल लिए हैं और 5 से 6 लौंग है। इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह पीस लेंगे। देखिए हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। आप ये जो मसाले हैं सूखे ही पीसिए, नहीं तो अगर आप पानी डाल देंगे तो अच्छी तरह से नहीं पीसेंगे। अब हम इस मसाले को प्याज लहसुन और अदरक के साथ पीसेंगे। आप चाहे तो इस मसाले की क्वांटिटी बढ़ाकर तैयार कर सकते हैं और इसे एयरटाइट डिब्बे में भर दीजिए। आप इसे चिकना भी पीस सकते हैं। और जब भी आपको मसालेदार सब्जी बनाना है, मटन या कीमा बनाना है, तो इसका 1-2 टीस्पून आप डाल दीजिए जैसी क्वांटिटी के हिसाब से, और प्याज अदरक लहसुन के साथ पीस लीजिए। बहुत ही जल्दी मसाला तैयार हो जाता है। हम लोग इसका मसाला तैयार करके रखते हैं इस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में, और जब भी मटन और सब बनाना है मसालेदार सब्जी तो तैयार करते हैं। इसको हम प्याज अदरक और लहसुन के साथ अब पीस लेंगे। हमें 3 किलो में इतना क्वांटिटी लगेगा। ये हमने 1 किलो प्याज ले लिया है और लहसुन ले ली है और अदरक ले ली है। इसे देखिए हमने पीस कर तैयार कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। सारे मसालों को साथ में पीस लिया है। हमने ये कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर दी, और हमने आधा लीटर तेल डाला है। लगभग ये 6 से 7 टेबल स्पून के बराबर है। और इसमें अब तेल गरम हो गया तो ये हम पूरा मसाला डाल देंगे, क्योंकि हमारे मटन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमें पूरा मसाला लगेगा जितना हमने आपको बताया है। और इसे हमें बहुत ज़्यादा तेल छूटते तक नहीं भुनना है, हमें बस 5 से 6 मिनट इसे तेल में भुनना है। और हमने ये लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, 10 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 6 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर ले लिया है और गरम मसाला 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि हमें मटन और कीमा को बहुत अच्छी तरह से मसालों में भुनना है, इसीलिए हम मसालों को पहले नहीं भुनेंगे और साथ में भुनेंगे। देखिए हमने सारे नमक मिर्ची और ये डाल दिया है और इसे हमने मिक्स कर लिया है। और अब हम ये मटन और कीमा डाल देंगे और इसके साथ में हमें बहुत ज़्यादा इसे भुनना है। तब जाके जो मसालों का फ्लेवर है इसमें बहुत अच्छी तरह से आता है मटन और कीमा में। तो हमें मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, मसालों के साथ में हमें मटन को भूनना है। देखिए हमने सारे मटन और ये कीमा को डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते जाएंगे। इसे बहुत अच्छी तरह से भुनना है, तभी जाकर जो हम मटन बनाते हैं वो बनकर तैयार होता है। सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी बात है कि इसे भुनना बहुत आवश्यक है। जितना आप ज़्यादा भुनेंगे उतना ज़्यादा टेस्टी मटन बनकर तैयार होगा। तो ये मसालों के साथ में हमें इसे 1 से 1.5 घंटा भुनना है। देखिए भूनते भूनते इसमें मटन का पानी छूट जाता है, पानी मटन छोड़ता है, तो ये पतला हो गया। अब हमें इसे जब तक भूनना है तब तक ये ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है मटन की तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, आप अगर थोड़ा बना रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। तो ये देखिए मटन का ही हमने इसमें पानी नहीं डाला है, इसमें मटन का ही पानी छूटा है। देखिए मटन ने पानी छोड़ा। अब इसे हम ढक देंगे और बीच बीच में चम्मच चला चला के इसे हम ड्राई करेंगे।
देखिए हमें भूनते हुए 1 घंटा हो गया है, हम ढाकते गए। अगर ढाकना नहीं है तो आप खुला भी पका सकते हैं, और इसे बीच बीच में चम्मच चलाते जाइए कि तली में ना चिपके। और मीडियम फ्लेम में हमने इसे पकाया है, देखिए ये ड्राई हो गया है। इससे और हम 10 मिनट और पका लेंगे, लगभग ये 1.25 से 1.5 घंटा ये भुना है मटन। तभी देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसमें, तब जाके ये मटन और कीमा बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर हमको ड्राई खाना है तो इसमें से हम ड्राई पीसेस निकाल लेंगे और उसके बाद पानी डालेंगे। देखिए हम चेक कर लेते हैं कि 1.5 घंटा हो गया है पकाते हुए कि हमारा मटन पक गया क्या। इसमें हमने टूथपिक लगा के देखेंगे, टूथपिक ले लिया है और इसमें हम पीसेस में गड़ा के देखेंगे। देखिए बहुत आसानी से टूथपिक गड़ रही है, इसका मतलब मटन पक चुका है। और थोड़ी कसर बाकी रहती है, जब हम इसमें पानी डालेंगे तब हम इसमें पकाएंगे। 1/2 घंटा लगभग और पानी डालने के बाद में पकाना है, तो बहुत अच्छी तरह से गल जाता है। अब हम इसमें ड्राई पीसेस निकाल लेंगे, ये पक चुका है मटन। देखिए इसमें चम्मच चलाते चलाते हमने इसमें एक भी पानी नहीं डाला है, 1.5 घंटे से हमें ऐसे ही पकाना है इसी तरह से। अब देखिए 1.5 घंटा हो गया है तो मटन भी पक चुका है, तो हम इसके ड्राई पीसेस निकाल लेंगे। जिसको ड्राई पीसेस खाने का शौक है तो वो हम ड्राई पीसेस निकाल लेंगे इससे। एक बाउल में हम ड्राई पीसेस निकाल रहे हैं और उसके बाद हम पानी डालेंगे। हम लोगों के यहाँ जब सभी लोग मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मटन बनाया जाता है, तो इसी तरह से मटन बनाते हैं। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, लगभग 2 लीटर के, 1.5 से 2 लीटर हमने पानी डाला है। और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे। इससे क्या होगा कि इसके ग्रेवी में पूरा मटन का टेस्ट आ जाएगा। और इसे मीडियम फ्लेम में हम 10 मिनट पकने देंगे और फिर लो फ्लेम पे इसे 15 से 20 मिनट पकने देंगे, उससे हमारा मटन बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसे हमने 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाया था, अब इसे हम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट, या ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, एकदम लो फ्लेम पे। इससे क्या होगा कि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा और फ्लेवर भी ग्रेवी में बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसे हम 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। देखिए हमने 20 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा मटन बनकर तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसी तरह आप मटन बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।